गुड मॉर्निंग, मेरा नाम अनिल डॉलर है और फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स सीरीज के 34वें लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो डिटेल पेज में जो बाकी चीज़ें जो बच रही हैं उसको हम कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप मुझे डोनेट भी करते चलिए, पेपाल एड्रेस या फिर पेटीएम पर आप डोनेट कर सकते हैं। और इस पूरी सीरीज़ का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, आप चेक कर सकते हैं। यदि आप कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, बेसिकली आप अगर इन सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, सो आप इस ई कॉमर्स प्रोजेक्ट को आप एज अ कॉलेज प्रोजेक्ट सबमिट करवा सकते हैं। सोर्स कोड प्राप्त करने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं इन कॉन्टेक्ट डिटेल्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो लेक्चर। कल जो हमने डिटेल वाला पेज लिया था, ये शूज वाला लिया था, इसमें देखना कि बॉर्डर नहीं आ रही थी। अब आज जो मैंने नोटिस किया है कि जो ये अगर ये ट्रिमर वाले पर जा रहा हूँ तो यहाँ पर देखो चारों तरफ से बॉर्डर आ रही है। दोनों के लेआउट में थोड़ा बहुत अंतर है तो वो आज हम वो फिक्स करेंगे। दूसरी चीज है कि किसी किसी थंबनेल पर जो है ये आ रहा है, बेसिकली YouTube का लिंक्स आ रहा है, सो वो भी हम देख लेंगे इसके अंदर। तीसरी चीज है कि यदि मैं यहाँ पर ये हवर कर रहा हूँ तो बेसिकली ये चेक्ड बॉक्स आ रहे हैं, सो हमारे इसमें ये अभी इस तरीके से आ रहा है। सो इसको कैसे आपको करना है सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ। सो हमारे इसमें इसको देखने के लिए यहाँ पर राइट क्लिक किया आपने, इंस्पेक्ट एलिमेंट। अब वापस से आप इसको जो है इंस्पेक्ट एलिमेंट करके इसको आप सिलेक्ट कर लेना। यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया और वापस से मैंने जो है ये देखिए इस इमेज के तुरंत बाद ये आ गया एलिमेंट। अगर मैं यहां से हटा दूं, ये देखो ये यहां पर आया। अब इसको राइट क्लिक करके आप यहां पर आ जाना। ये एक तरीके से इस बॉक्स और आपके कोड के बीच में ये ब्रिज की ये जो पैनल खुला हुआ है ना, इसको कॉन्टेक्स्ट मेन्यू बोलते हैं। ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आपके लिए एक तरीके से ब्रिज की तरह काम करेगा, क्योंकि अगर आप गलती से भी ये यहाँ पर आ गए तो वो गायब हो गया। सो इसको लाने का तरीका है, इस पर राइट क्लिक किया, ये ब्रिज की तरह यहाँ पर आ जाओ और इस कोड को आप पिक कर सकते हो। सो सबसे पहली चीज है कि ये इसका जो बैकग्राउंड कलर आ रहा है ये आप हटा दो, क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है, सबसे पहला ये बैकग्राउंड कलर हटाना है। उसके बाद ये देखना बॉक्स शेडो आ रही है, बिल्कुल बेकार सी बॉक्स शेडो आ रही है, ये हमें हटानी है। सो ये चीजें मुझे हटानी है। तो यहां से मैंने ये टारगेट किया इसको, और आप अपने सोर्स कोड में आप चले जाना, आप नीचे नीचे अपने सोर्स कोड जो है यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हो और क्या क्या चीजें हमने हटाई थी। बेसिकली सबसे पहले बैकग्राउंड कलर हमने हटाया था, तो यहाँ पर आप बैकग्राउंड डैश कलर इसको आप क्या कर सकते हो ना, पहली चीज। दूसरा हमने हटाया था बॉक्स शेडो, सो अगला आप लाइन में लिखना बॉक्स डैश शेडो कॉलन नन किया मैंने, बॉक्स शेडो नन, सेव किया डिटेल डॉट और इसको लॉन्चिंग क्रोम करो। ठीक है, सो अभी भी ये नहीं हट रहा है, बैकग्राउंड कलर नन और ये नहीं हट रहा है। सो आप ऐसा कीजिएगा कि यहां पर इंपॉर्टेंट दीजिए, बॉक्स शेडो को भी आपने क्या दे दिया इंपॉर्टेंट। कई बार ऐसा होता है कि कोई जिस प्रॉपर्टी को आप टारगेट कर रहे हो फिर भी नहीं जा रही है, तो आपको क्या इंपॉर्टेंट देने से उसको ओवरराइट करना पड़ेगा। सो देख लेते हैं डिटेल डॉट पीएचपी पर, अभी भी नहीं जा रही है। सो हम सही पेज पे तो काम कर रहे हैं, डिटेल पेज पर सिंपल लेंस माउस कर्सर काम कर गया है। यहां से बैकग्राउंड कलर की जगह अब सिर्फ बैकग्राउंड दो, क्योंकि मुझे लग रहा है शेडो तो हट गई है। ये देखिए शेडो हट गई है। अब अंदर की ओर ये फ्लिपकार्ट की तरह मुझे चेकबॉक्स चाहिए, तो आप इंस्पेक्ट एलिमेंट कीजिएगा और फ्लिपकार्ट वालों ने क्या कर रखा है उसके लिए आपको ढूंढना पड़ेगा। राइट क्लिक किया, यहां पर गए और इस एलिमेंट को पिक कर लेना। थोड़ा सा वापिस और क्लोज कर रहा हूं मैं, देखना तो जैसे ही मूव कर रहा हूं ना तो ये यहां पर ये इस एलिमेंट में चेंजेस आ रहे हैं। ये देखना राइट क्लिक किया, इस एलिमेंट पर गया, इसकी सीएसएस आप ढूंढ लेना यहां पर कहीं ना कहीं होगी।
ये देखना। सो इन्होंने कहीं ना कहीं ये बैकग्राउंड करके इन्होंने ये एक ले रखा है कि डेटा, ये बेस 64 की एक इमेज है। सो ये आप यूआरएल में इसको पूरे को कॉपी कर लेना यहाँ से अगर आप चाहें, तो इसको यहाँ से लेके इस पूरे को आप कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया मैंने, और यहाँ पर आप जो है बैकग्राउंड डैश img आपने दिया, कोलन, और पेस्ट किया, और लास्ट में सेमी कोलन लगाओ। अब चूंकि हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट दे रखा है, बैकग्राउंड डैश नन इंपॉर्टेंट दे रखा है, सो यहाँ स्पेसिफिकली आप बैकग्राउंड डैश कलर दे देना, बैकग्राउंड डैश कलर। देखते हैं। देखो वही कर्सर ही गायब हो गया हमारा। बैकग्राउंड नन मैंने हटाया, बैकग्राउंड डैश img नहीं जनरेट हो रहा है, इमेज जो है हमारी जनरेट नहीं हो रही है। इसको आप देख लेना यहाँ से, ये क्या चीज है। ठीक है ना, ये जो नीचे है जो आ रहा है ना इस एलिमेंट के, ये वाला एलिमेंट है। ये पोजीशन एब्सोल्यूट कर रखा है और उसको खिसका रखा है और फ्लो हिडन कर रखा है, बहुत सारी चीजें इसको इन एलिमेंट्स को कर रखी है, बट हमारे लिए जो है ये वाला बॉक्स है। अगर आप ये सारी के सारी प्रॉपर्टी, जैसे यहाँ पर आ रहा है अलाइन सेंटर, जस्टिफाई सेंटर, ये बैकग्राउंड, इसकी अगर हम बात करें बहुत बड़ा टेक्स्ट है, और ये कॉपी किया मैंने, यहां से आप एंड इसको पेस्ट करेंगे, सेव किया, और देखते हैं हमारी बैकग्राउंड इमेज जनरेट हो रही है कि नहीं हो रही। सेमी कॉलन, इसमें बैकग्राउंड डैश इन्होंने रिपीट दे रखा है, इस रिपीट को मैं हटा देता हूं, और बैकग्राउंड डैश इमेज, सिर्फ ओनली बैकग्राउंड डैश इमेज देख देखते हैं। यहाँ तो कुछ ऐसा हो गया है कि कर्सर ही गायब हो रहा है हमारा। रन लॉन्च इन फायरफॉक्स में करके देखूँ मैं, ये आ रहा है, और इसमें अंडू किया मैंने, ये मैंने अंडू किया, और यूआरएल में गए, आ गया आ गया। अगर आप इसको गौर से देखें तो देखो आ गया है ना। अरे गौर से इसको जूम करके देखो, देखो आ गया ना, चेक बॉक्स आ गए बेसिकली। दूसरी चीज है कि फ्लिपकार्ट वालों ने जो है बॉर्डर नहीं दे रखी है, हमारी बॉर्डर को हटा देते हैं। बॉक्स शेडो नन दे रखी है, और बॉर्डर हमने भी हटाई रखी है कुल मिला के ये। बॉर्डर नन दिया मैंने,
और यहां से इंपॉर्टेंट दे दिया इंपॉर्टेंट, ठीक है, सेव किया और आउटपुट देख लेते हैं। ठीक है, सो देखो कई बार नहीं आ रहा है, तो जैसे क्रोम में क्यों नहीं, क्रोम में आ रहा है, अगर आप इसको जूम करें, जूम करें, ये देखिए आ रहा है। ठीक है, और थोड़ा सा और इसको अगर ये बॉर्डर वाली प्रॉपर्टी हटा दें तो वो दिखने लग जाएगा कि आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है ना। थोड़ा सा ऐसा बॉर्डर रहने देते हैं। सो अगर इसको बॉर्डर दिया मैंने 1 पिक्सल सॉलिड एश सीसीसी, एक लाइट वेट कलर दे देते हैं। ठीक है, सो ये देखिएगा, ठीक है, सो ये पहला फेज हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब क्या बच रहा है, बेसिकली जैसे ही मैं स्क्रॉल करूंगा तो ये यहां पर आप देखना ये एरिया, मगर फ्लिपकार्ट के उसमें जैसे ही मैं अगर स्क्रॉल करूंगा तो कोई भी एरिया दिखता नहीं है ये। ठीक है, और यहां पर हमारा ये वाला एरिया दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके ये एलिमेंट क्या निकाला है हमने, ये आप देखना कि इस एलिमेंट को हमने जो है आर्टिकल नेम दिया, इस पूरे एलिमेंट को हमने आर्टिकल दिया है। और आर्टिकल एलिमेंट्स को यदि यहां पर हम गए, ये रहा हमारा आर्टिकल, और इसको आप सिर्फ ये करो पेडिंग टॉप, और यहां से मैंने 2 दे दिया। तो आप देखना पूरा एलिमेंट नीचे की ओर पुश हो जाएगा, ये एलिमेंट पुश हो गया नीचे की ओर, इसको 2 की जगह मैंने 3 दिया। ठीक है, सो एलिमेंट हमारा नीचे की ओर खिसक गया है। सो अब आप क्या कर सकते हो, नीचे नीचे गए जहां आपका कोड चल रहा था कल, सो स्क्रॉल वैल्यू 40 और आप यहां पर वर्क कर रहे थे या फिक्स क्लास, सो टॉप से मुझे कितना पुश करना है वो 65 की जगह आप 60 देके देखो। थोड़ा सा ऊपर ले जाना होगा हमें 58। ठीक है, सो ये देखना, देखो एकदम से स्नैपिंग हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि वो अभी हमें वहां से उसको स्क्रॉल वैल्यू से भी खिसकाना पड़ेगा। फिक्स हो गया यहां पर, ये देखो क्योंकि ये क्रॉस कर रहा है, ये फिक्स हो गया। अब यहां से तो फिक्स हो गया, हमने 56 टॉप से खिसकाया है, सो 40 पर आने पर 45 पर हम करते हैं इसमें, देखते हैं क्या हो रहा है। किया मैंने और स्क्रॉल वैल्यूज को आप देख लेना, परफेक्ट। ठीक है, सो ये हमने यहां पर इसको इंप्रूव कर दिया है। अब आप देखिएगा कि अगर इसके अंदर के इस एलिमेंट को अगर मुझे बॉर्डर लानी है तो कैसे लाएंगे। सो अंदर वाले एलिमेंट को बॉर्डर लाने के लिए आप पहले तो देख लो आपका स्ट्रक्चर, आपको जानना बहुत जरूरी है कि ये रो रहा और रो आर्टिकल के अंदर ये डिव है। अगर पूरे एलिमेंट की बात करूं तो ये रहा आर्टिकल और आर्टिकल के अंदर ये एलिमेंट है। तो कुछ नहीं करना है, यहां पर एक क्लास दे देनी है आपको बॉर्डर। सो बॉर्डर देने से आपकी चारों तरफ एक सॉफ्ट बॉर्डर आ जाएगी, ये देखो चारों तरफ से एक सॉफ्ट बॉर्डर आपकी आ चुकी है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये बॉर्डर जो है ये यहां से उसका गैप आएगा बेसिकली, तो ये देखो, मगर ये यहां से बहुत ज्यादा उसका
जो है उसका गैप आ रहा है। सो ये मार्जिन लेफ्ट मैंने दिया है यहाँ पर 2 ml डैश 2 दिया है यहाँ पर, देखो यहाँ पर गैप आ रहा है ml डैश 2। ml डैश 3 किया मैंने, इतना गैप आ गया है जितना यहाँ चाहिए था, और इसके अंदर जो ये गैप आ रहा है फिर ये गैप आपको हटाना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा दूर हो रहा है ये। सो एंकर्स पे गए, ये पैडिंग टॉप दे रखा था, और अगर इन एंकर्स के पेरेंट की बात करूं डिव, सो डिव और उसके पेरेंट की बात करूं सो विड्थ यहां पर मैंने इस तरीके से दे रखी थी, ठीक है। सिंपल लेंस कंटेनर को यहां पर हमने फिर विड्थ दे रखी थी, तो ये विड्थ फिर आपको हटानी पड़ेगी। सो यहां पर हम गए और ये वाली प्रॉपर्टीज आप हटाना, तब जाके वो सही होगा, ठीक है। सो अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये इसको अगर 1 दे दें और इसको 11 दे दें तो क्या होता है देखते हैं, बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाएगा। सो वापिस अंडू किया, इसको 2 और 10 ही देके देखते हैं, फिर उसमें हम देखेंगे इसको कैसे हम वैसा बना सकते हैं। सो आप देखिए ऑलमोस्ट वैसा बना है, और हर एंकर का बॉर्डर है बेसिकली, यहां पर हर एंकर का बॉर्डर नहीं है। और ये भी इसका गैप आ रहा है तो ये गैप हटाना पड़ेगा, ये ऑन ऑफर आ रहा है यहाँ पर। तो बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स आपको वन बाय वन करने पड़ेंगे। ये एमटी मार्जिन टॉप दे रखा है यहाँ पर मैंने, सो ये एमटी टू मार्जिन टॉप ये मैंने हटा दिया, ये परफेक्ट आ रहा है। अब मैं आपको जो है बेसिकली ये इन पे क्लिक करने पर, जैसे अगर इस पे क्लिक करें तो ये ऊपर की ओर खिसके और इस पे क्लिक करें तो ये एनिमेट करे, ये मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर। बाकी चेंजेस तो बहुत सारे होंगे डेफिनेटली, बहुत सारे चेंजेस स्टेप बाय स्टेप अपन करते चलेंगे। ठीक है, अभी अपने इसमें ऐसा आ रहा है फ्लिपकार्ट के इसमें जो है, इधर जब तक स्क्रॉल फिक्स है तब तक ये भी वैसे ही आएगा जो सामने कर रखा है, ठीक है। सो उसके बाद इनके क्लिक करने पर इसको मूव करना है। सो किनके क्लिक करने पर, एक तो इसको मैं दे देता हूँ, ये वाले को मैं इस एंकर को मैं दे देता हूँ शेव अंडरस्कोर अप क्लास, और इसको क्लास दे देता हूँ शेव अंडरस्कोर डाउन क्लास। शेव अप और डाउन के क्लिक पर मुझे जो है वर्क करना है, तो नीचे ही नीचे गए आपको, आप यह तो अगर आप जेक्वेरी में काम कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट डॉट ऑन रेडी के अंदर आप काम कर सकते हो। तो ये डॉलर यहाँ पर सिलेक्टर जो रहेगा वो आपका यहाँ पर तो आपको डॉक्यूमेंट लिखना है, उसके बाद आपको ऑन फंक्शन यूज करना है। ऑन फंक्शन के 3 पैरामीटर है, पहला भी स्ट्रिंग दूसरा भी स्ट्रिंग, मगर जो तीसरा होगा वो एक फंक्शन पास करना है इसके अंदर, तो 2 स्ट्रिंग और एक फंक्शन। सो यहाँ पर आता है इवेंट, सो इवेंट है हमारा यहाँ पर कौन क्लिक, और यहां पर है हमारा सिलेक्टर, तो सिलेक्टर कौन है शेवरॉन डाउन, और पहले शेवरॉन डाउन
और उसके साथ साथ कंबाइन करके मैंने किसको लिख दिया, शेवरॉन अप, शेवरॉन अप। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस में गए, अंदर गए, सबसे पहला काम होता है टेस्टिंग का कि आप अलर्ट करके देख लो। सो यहां पर मैं अलर्ट करके देख लेता हूं, ओके। ठीक है, क्या क्या चीजें हमें करनी है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा अलर्ट मैसेज आएगा। ओके क्लिक करते ही देखो हैशटैग आ गया। तो सबसे पहला काम है कि ये आपको हैशटैग को रोकना है क्योंकि पेज रीलोड हो जाता है एंकर पर। सो यहां पर आपको फंक्शन के अंदर ई पास करना है, ई का मतलब होता है इवेंट, और पहला ही आर्ग्यूमेंट हमेशा क्या होना चाहिए, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट जो करता है वो पेज को रोकने का काम करता है, मतलब रीलोड होने से बचाता है। कि जैसे अब मैंने इस पर क्लिक किया, अलर्ट तो आ जाएगा, और जैसे ही क्लिक करूंगा तो देखो हैशटैग नहीं आ रहा है, मतलब मेरा पेज वापस से रीलोड नहीं हुआ। रीलोड होने से बचाना है तो ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट आपको करना पड़ेगा। सो इस वाले के अंदर भी अगर करूं तब भी ओके आ रहा है और हैशटैग नहीं आ रहा है। सो दोनों पर मैंने क्या किया, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट कर दिया। ठीक है, किया। अब इसी कोड को आप कॉपी कर लेना, नीचे पेस्ट कर लेना, और अभी हम सिर्फ काम किसके लिए कर लेते हैं, सिर्फ शेवरॉन अप के लिए। सो शेवरॉन अप पर यदि क्लिक होगा तो अंदर आने वाला जो एलिमेंट है वो ऊपर की ओर मुझे पुश करना है, ओवरफ्लो वाला। सो ये ओवरफ्लो देख लेते हैं, यहां पर ओवरफ्लो कौन कर रहा है। सो यहां पर अगर आप देखेंगे ना तो थंब ओवरफ्लो कंटेनर है, थंब ओवरफ्लो कंटेनर। ठीक है, सो थंब ओवरफ्लो कंटेनर के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं ना उनको आपको खिसकाना पड़ेगा। सो यहां पर ऐसा कर लेना कि यहां पर एक और डिव लेना पड़ेगा। रीजन ये है कि अभी आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि हम ओवरफ्लो यूज कर रहे हैं। सो मैं कोड करके बताऊंगा। सो मैंने क्या किया, थंब ओवरफ्लो के अंदर एक और डिव ले लिया, और इस थंब ओवरफ्लो का ये देख लेना आपने हाइट इतना दे रखा है। ठीक है, सो थंब ओवरफ्लो का जो डायरेक्ट चिल्ड्रन है, थंब ओवरफ्लो का जो डायरेक्ट चिल्ड्रन डिव है उस पर हमें काम करना है। सो देखना यहां पर शेवरॉन अप पर क्लिक करते ही हमें किसको सिलेक्ट करना है, सबसे पहले तो यहां पर सिलेक्टर हमारा कौन होगा, हमारा सिलेक्टर होगा ये थंब कंटेनर। थंब कंटेनर को गए, यहां पर मैंने थंब कंटेनर का जो डायरेक्ट चिल्ड्रन डेव है उसको जो है मुझे मूव करना है। सो यहां पर मैं मूव करने के लिए सीएसएस की ट्रांसलेट प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं। सो आप यहां पर CSS यूज कर सकते हो, CSS मेथड, और कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे, ट्रांसफॉर्म कोलन ट्रांसलेट। सो ट्रांसलेट जो है एक फंक्शन है, x में कितना ट्रांसलेट करना है, y में कितना करना है। सो अभी मैं यहां पर हार्ड कोडेड दे देता हूं, x मुझे जो है वो बिल्कुल मूव नहीं करना है, सिर्फ y में मुझे 50 पिक्सल खिसकाना है। अभी हार्ड कोडेड कर रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि हम कैसे वर्क कर रहे हैं। ये देखो वो नीचे किसका, एक बार क्लिक करते ही नीचे किसका वो। ठीक है, सो ये नेगेटिव किसका दिया मैंने, क्लिक किया। ठीक है ना, सो अगर क्लिक करूंगा, अगर मैं ऊपर ही ऊपर वाले एलिमेंट पर हूं, जैसे कि मान लो अभी ओवरफ्लो एक्चुअल में हो कहां से रहा है, डाउन से हो रहा है, इसलिए यहां पर शेवरॉन अप की जगह मैं किसको टारगेट करूंगा, डाउन को टारगेट करूंगा, और रिफ्रेश करूंगा और देखना, क्योंकि ऊपर ओवरफ्लो नहीं हो रहा है, ओवरफ्लो तो नीचे हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये पूरा आ रहा है, पूरा 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 पूरा, और ये कट रहा है, और इसके नीचे एलिमेंट ओवरफ्लो कर रहे हैं। सो अगर डाउन पे क्लिक करूंगा तो ये ऊपर की ओर मूव होना चाहिए, इसका मतलब नेगेटिव 50 की जगह पॉजिटिव 50, और अभी भी 50 जो हम दे रहे हैं ये स्टैटिक है। ठीक है, सो
यहां पर इस तरीके से आपको करना है कि इसके अंदर जो आने वाला जो एलिमेंट है का जो डायरेक्ट डिव है, और उस पर मैंने दे दिया ट्रांजिशन, ट्रांजिशन कॉलन ऑल लीनियर 1s, कि 1 सेकंड में ये ऊपर जाते हुए आपको दिखेगा। ठीक है, अब इसको -50 कर दिया मैंने, और उस चिल्ड्रन डिव को मैंने ये 1s का ये ट्रांजिशन दे दिया। देखना कितना स्लो हो रहा है, तो यहाँ फास्ट मैंने दे दिया 0.2 सेकेंड। ठीक है, सो यहां पर देखना एकदम से ऊपर जाता है और लास्ट ही लास्ट एलिमेंट पर पहुंच रहा है। सो कहीं ना कहीं सिर्फ हमें ये पता करना है कि ये जो कितना पिक्सल का, क्योंकि अभी हम हार्ड कोडेड चल रहे हैं कि 50 मतलब 50, ना तो कम होगा ना ज्यादा होगा, तो ये चीज हमें थोड़ा डायनेमिकली कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, हमें 50 वैल्यू को डायनेमिकली कैलकुलेट करना होगा। उसको कैलकुलेट करने के लिए आप सबसे पहले इस वाले एलिमेंट को, इसकी हाइट पता कर लो, किसकी, थंबनेल कंटेनर की। ऑलरेडी हाइट आपको पता है कि 450 मतलब 450 ही होगी, और यहां पर आपको उसके अंदर आने वाले एलिमेंट की हाइट आपको निकालनी है। अंदर आने वाले एलिमेंट की हाइट आपने यहां से निकाली ली, डॉट HEIGHT, ये हाइट। ठीक है, और इसको मैंने एक वेरिएबल में ले लिया h, h इज इक्वल टू उसके अंदर आने वाले एलिमेंट को मैंने किया है। और यहां पर मैं कॉन्सोल लॉग देख लेता हूं ताकि मुझे पता चले क्या हो रहा है। h को मैंने कॉन्सोल लॉग किया, ठीक है, सेव किया और आउटपुट देखा। जब भी हम जावास्क्रिप्ट में कॉन्सोल लॉग करते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट करना है, कॉन्सोल में जाना है और ये एक्चुअल में स्क्रॉल पहले का कहीं का स्क्रॉल चल रहा है, तो ये इन स्क्रॉल वैल्यू को ये कंसोल लॉक कर रखा था मैंने। इसको मैं क्या कर दूं अभी के लिए कमेंट कर दूं, अदरवाइज हम इस कंसोल लॉक को नहीं देख पाएंगे। दूसरे वाले कंसोल लॉक को आपको कमेंट करना है। ठीक है, इसको हटाया मैंने, और देखना थोड़ा सा नीचे ले जाना पड़ेगा क्योंकि ये मेरा एंकर दिख नहीं रहा है यहाँ पर। ये एंकर दिखा क्योंकि मैंने अभी शेवरॉन डाउन पे लिख रखा है। ठीक है, कितनी आ रही है, 594। तो पेरेंट की हाइट कितनी है, 450, और अंदर चिल्ड्रन की हाइट आ रही है 590। तो हमें मूव कितना करना है, एग्जिस्टिंग में मूव कितना है, उसके हम कैलकुलेशंस यहां पे निकाल लेंगे। जो पेरेंट 590, यहां पर मैंने वेरिएबल लिया, कितना मूव करना है, टू मूव इज इक्वल टू एच माइनस, अगर इसको भी अगर मैं डायनेमिक निकाल लूं कि थंबनेल कंटेनर की हाइट क्या है, हालांकि मुझे पता है कि हाइट 450 है, मगर ये भी कभी भरोसा नहीं है, कभी आप सीएसएस चेंज कर दो तो आपका सारा लॉजिक फेल हो जाएगा। इसलिए आप हमेशा जेक्वेरी पर निर्भर रहो कि हाइट भी निकालो तो किससे निकालोगे आप, जेक्वेरी से। ये मैंने बोल दिया इसको थंबनेल ओवरफ्लो, ओवरफ्लो हाइट। ठीक है, ये मैंने दे दिया थंबनेल ओवरफ्लो हाइट, और इसको मैंने हाइट दे दिया, सो एच माइनस ये वेरिएबल। ठीक है, और इसको मैं कंसोल लॉग करवा लूं, सो कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, सो आप देख लीजिएगा उसका एलिमेंट का जो हाइट आया था 594, 594 माइनस 450, सो 144 पिक्सल्स ओवरफ्लो कर रहा है। ठीक है, 144 पिक्सल ओवरफ्लो कर रहा है। ये सेव किया, इस पर क्लिक किया, सॉरी,
ये टू मूव वेरिएबल तो मैंने लिया ही नहीं इसके अंदर। सेव किया, आउटपुट देखा, थोड़ा सा नीचे ले जाना पड़ेगा, क्लिक किया, ये देखो 144 पिक्सल आ गया। सो 144 पिक्सल मुझे क्या करना है यहां पर, पास करना है। सो ये 50 जो हार्ड कोडेड है इसको मुझे स्ट्रिंग को तोड़ना पड़ेगा। जावा स्क्रिप्ट में कंकेटिनेट करवाने के लिए प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं और ये टू मूव को मैंने यहां पर पेस्ट कर दिया, इसको मैंने कमेंट किया और आउटपुट देखते हैं। परफेक्ट, ठीक है। उसी प्रकार से इस पर भी वही लॉजिक लगाना है, सिर्फ माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो हाँ, वो हाइट का जो है वो हम देख लेते हैं कि अगर ये इतना हो जाएगा तो ऊपर वाले को आई थिंक ये वाला फिर हाइड हो जाएगा एंकर। तो इसके तुरंत बाद आप क्या कर देना, दिस डॉट हाइड, क्योंकि दिस रिफर कर रहा है जिस पे इवेंट हो रही है और उसी को आपको क्या करना है, हाइड करनी। सो अब देखना, दिस डॉट हाइड, सो कोई देख लेते, कोई जावास्क्रिप्ट का एरर तो नहीं है। कंसोल लॉक किया मैंने और इसको एक बार वर्टिकल में जमा देता हूं ताकि कोई दिक्कत नहीं आए। रिफ्रेश किया मैंने और ये गायब नहीं हो रहा है। सो ये कौन है, ये है शेवरॉन डाउन। सो यहां सिलेक्टर में अभी मैंने इस तरीके से देख रहे हैं, क्लिक किया, इसको जो है यह तो मैं यहां पर कर देता हूं, इसको पहले ही आप हाइड कर दो, दिस डॉट हाइड। हाइड क्यों नहीं हो रहा है, बस ये देखना है। जैसे ये एंकर है उसी प्रकार से ये एंकर, इसको डिस्प्ले ब्लॉक बोल रखा है शायद, इसलिए ये हाइड नहीं हो रहा है। अगर मैं डिस्प्ले ब्लॉक हटा दूं, एक बार ऐसा करते हैं कि दिस डॉट हाइड, दिस डॉट हाइड, शायद वो डिस्प्ले ब्लॉक की वजह से हाइड नहीं हो रहा हो। तो मैं अभी के लिए क्या करता हूं, इन एंकर्स की डिस्प्ले ब्लॉक वाली जो डी ब्लॉक क्लास है वो हटा देता हूं अभी के लिए, देखते हैं कि वो हाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि हाइड तो हो जाना चाहिए। कंसोल पे गए, हाइड हो गया। सो वो जो डी ब्लॉक वाली जो क्लास है वो मेरे जावास्क्रिप्ट को अलाउ नहीं कर रही थी, तो मैंने डी ब्लॉक क्लास हटा दी वहां से। अब ये जो दिस डॉट हाइड है, आप चाहे तो ये सबसे लास्ट में लिख सकते, क्योंकि पहले काम करना है उसके बाद हटाना है, ठीक है। ये मैंने इसको हटाया, अब मेरा एंकर यहां से बिगड़ रहा है, ये देखो ये एंकर बिगड़ गया वहां से। डी ब्लॉक जो है, अब इसको प्योर सीएसएस से भी दे सकते हैं, तो शेवरॉन
शेवरॉन डाउन और अप जो है, इन दोनों को टारगेट कर लो सीएसएस से। ठीक, शेवरॉन डाउन कॉमा शेवरॉन अप, और यहाँ ये मैंने कॉम्बिनेशनल सिलेक्टर यूज कर रहा हूँ, और यहां से आप क्या करो, इसको डिस्प्ले ब्लॉक दे दो, डिस्प्ले ब्लॉक सेव किया और आउटपुट आप देख लो। डिस्प्ले ब्लॉक दिया आपने एंकर को, उसके बाद आप यहां से क्या करना, विड्थ कॉलन 100%। ठीक है, सो ये देखो यहां से हट गया। ठीक है, अब स्पेस से हटाना है तो स्पेस से भी आप हटा सकते हो। सो क्या करना है, इसी कोड का कॉपी करना है और अगर पेस्ट कर दो, शेवरॉन डाउन की जगह आपको क्या करना है, अप करना है, और इधर से ये शायद नेगेटिव हटा देना। सो इस तरीके से आ रहा है, ये हुआ ये हुआ, ये तो परफेक्ट है ये। अब इस वाले में जो है थोड़े से हमें लॉजिक्स लगाने होंगे, तो इस वाले ब्लॉक को मैं अभी के लिए हटा रहा हूं, ये मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इसको और कंप्लीट करके बताऊंगा। अभी आप देख लीजिए इस तरीके से हमने जो है ये जो मूव होता है, मूव होने के बाद हाइड होता है और एनिमेट जो हो रहा है वो मैंने आपको करके बताया है, और साथ साथ ये जो एफिक्स वाला जो प्रॉब्लम आ रहा था, ये देखिए जैसे ही ये लैपटॉप ये क्रॉस कर रहा है यहाँ पर, वो पहले वो दिख रहा था अब नहीं दिख रहा है। तो ऐसे छोटे बड़े वेरिएशंस जो हैं आप कर सकते हैं। अभी आप देखना बहुत सारी चीजें बची हुई है कि जैसे ही ये पर्टिकुलर इसके फुटर तक पहुंचता है, ये यहाँ तक पहुंचता है, तो ये इसके साथ ऊपर चले जाता है, तो वो भी मैं आपको अगले कुछ वीडियोस के अंदर मैं आपको क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो को क्लोज करने से पहले मैं इसकी आर्काइव बना देता हूं आपके लिए, ऐड टू आर्काइव आपने किया, और ये 34वां लेक्चर है, डे 34, जिप किया उसको, हाईली कंप्रेस किया मैंने। ठीक है, और वीडियो को क्लोज करने से पहले यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट आप जरूर चेक कीजिएगा, आप मुझे डोनेट भी करते चलिए, और सोर्स कोड के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।